नमस्ते। आज हम लोग सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के बैनर तले फिर से चर्चा कर रहे हैं जो देश में इस समय हो रहा है और जो सबके लिए कष्टदायक है। मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोफेसर एसएसपी सिंह हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। आप सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के एक्टिव सदस्य भी हैं और देश में और विदेश में जहाँ पे भी इस तरह की बातें होती रहती हैं उस चर्चा में हरदम भाग लेते हैं, गुरु के नाते लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही बदल दी जा रही है, जो कम्युनल हार्मनी या सेकुलरिज्म और बहुत सी चीज़ें। प्रोफेसर, मैं आपसे बहुत बेसिक कुछ चीज़ें समझने के दृष्टि से मैं और मेरे दर्शक करना चाह रहे हैं। जो मेरी समझ है कि स्वतंत्रता आंदोलन में विभाजन के समय दो धाराएं चल रही थी। एक धारा थी जो कहती थी कि धर्म राष्ट्रीयता डिसाइड करेगा और इसके नेता जिन्ना थे, इसको लीड जिन्ना कर रहे थे इस विचारधारा को, और उन्होंने इसीलिए मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान की डिमांड की कि भाई धर्म ही और राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे। दूसरा पक्ष गांधी के नेतृत्व में धर्म के नाम पर राष्ट्र के निर्माण के विरोध में खड़ा हुआ था और उनके द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलते हुए हमें स्वतंत्रता मिली, एक भारत का स्वरूप बना, भारत राष्ट्र में विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न प्रदेशों का एक मिलकर हमने जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात की। लेकिन आज हिंदुत्व आंदोलन जो शुरू हुआ है वो, जैसे उसको शशि थरूर उसको बहुत अच्छा बोलते हैं कि इट इज अ मिरर इमेज ऑफ मुस्लिम कॉम्युनलिज्म ऑफ 1947। जो मुस्लिम सांप्रदायिकता 1947 में जिन्ना प्रमोट कर रहे थे वही आज कहते हैं कि हिंदुत्व आंदोलन उसी की मिरर इमेज है। इसको जरा समझा देते प्रोफेसर। देखिए, पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जिस दो धारा की बात आप कर रहे हैं जी, तो दो राष्ट्र के सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने जिस प्रकार से प्रचारित किया और उसके लिए जिस प्रकार के डायरेक्ट एक्शन प्रोग्राम चलाए और अंततः भारत का विभाजन धर्म के आधार पर, किंतु ये भी सत्य है कि मुस्लिम लीग के अतिरिक्त भी जो उस समय की भी धार्मिक राष्ट्र में विश्वास करने वाली शक्तियां थी हिंदुओं के बीच में, हिंदू महासभा, उनकी भी मान्यता दो राष्ट्र के सिद्धांत में ही थी। वो भी हिंदू और मुसलमान को अलग अलग राष्ट्र के रूप में ही देखते थे। अंतर सिर्फ इतना था कि वो मानते थे कि हिंदू राष्ट्र के अधीन मुस्लिम राष्ट्र को रहना है, यानी उन्हें समान नागरिकता की जो है अवधारणा स्वीकारी जी था। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में राष्ट्र के निर्माण के लिए धर्म को आधार बनाया जाना जी। दूसरी तरफ गांधी या जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय कांग्रेस, यहां तक कि क्रांतिकारी जो आंदोलन था, वो धर्म के आधार पर राष्ट्र के निर्माण को कतई स्वीकार नहीं करता था और ना उसने कभी स्वीकार किया जी। क्या आप कहेंगे कि विभाजन तो हुआ, तो विभाजन होने के लिए जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थी वो जिम्मेदार थी, और यही कारण है कि अंततः कांग्रेस ने बाध्य होकर और गांधी ने, जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर भारत का विभाजन होगा, लोहिया ने भी अपने भारत विभाजन के अपराधी और इस तरह की पुस्तक में इस बात को लिखा है कि गांधी जी तो नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस में जो नेतृत्व था उन्हें लगता था कि अब कोई विकल्प बचा नहीं है मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन के सामने, और यही कारण है कि अंततः उसको स्वीकार कर लिया गया। उसमें ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों की अपनी जो साजिश थी वो ऑलरेडी शामिल थी। तो आप धर्म का अगर माने कि राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, ये अपने आप में पाकिस्तान के निर्माण के बाद जो बांग्लादेश बना 1971 में, उसने प्रमाणित कर दिया कि धर्म राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता। अन्यथा इस्लाम के, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है या पश्चिमी पाकिस्तान, आखिर दो हिस्से में क्यों बट गए? इसका मतलब है कि धर्म राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है, और पाकिस्तान के विभाजन ने खुद स्वयं इस बात को प्रमाणित कर दिया। तो ये बात भी समझने की जरूरत है कि धर्म से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। धर्म भी एक कारक हो सकता है, कई देश में अगर एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं तो हो सकता है, लेकिन मूलतः
धर्म राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता, अन्यथा दुनिया में आप जानते हैं 6-7 राष्ट्र से अधिक नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों दुनिया में लगभग 195 से अधिक, 193 तो यूनाइटेड नेशन में मेंबर हैं, एंड मोर देन 195 और 200 और जो छोटे छोटे देश मिला करके आप देखेंगे, तो दुनिया में इस्लामिक स्टेट या तमाम तरह की, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, नेपाल भी कभी हिंदू राष्ट्र था, आज दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन नेपाल आखिरकार हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं रह पाया, आज एक लोकतांत्रिक गणतंत्र क्यों हो गया है? ये भी सवाल अपने आप इस बात का उत्तर देता है कि धर्म के आधार पर आप राष्ट्र का निर्माण कर नहीं सकते हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों के बीच में जो बहुत सारी बांधने वाली भावनात्मक एकता की शक्तियां हैं वो इंपॉर्टेंट है। जी मैं प्रो साहब एक चीज और, क्योंकि जो मैं जैसे समझता हूं कि भारत भारत में धर्म की व्याख्या मुझे लगता है कि सबसे ठीक से विवेकानंद जी ने की है, वो जो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं कि उसको अगर देखिए। अच्छा एक एक वर्ड और थोड़ा मुझे लगता है कि उसकी व्याख्या ठीक से फिर से होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म अंग्रेजी डिक्शनरी मान लिया था धर्म ना माने, लेकिन उसका उसमें भारतीय का जब भारत में आते हैं उसका मतलब है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और हम उनके धर्म वो अपना प्रैक्टिस करें हम अपना प्रैक्टिस करें, वी टॉलरेट ईच अदर, बेसिकली टॉलरेंस या सर्वधर्म संभाव की बात है। और ये बहुत क्लियर है कि जो स्टेट है वो एक किसी धर्म को पेट्रनाइज नहीं करेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके जो स्पिरिट ऑफ द इंडियन वो है उस समय है। लेकिन हाल के दिनों में कहीं ना कहीं स्टेट बिल्कुल ठीक से, कल मोदी जी इतना लंबा चौड़ा जम्मू कश्मीर में बता रहे थे, अरे उस दिन सिखों का जब लाल किले से बोले उसमें बोल रहे थे, हर जगह वो कहीं ना कहीं इस एलिमेंट को ले आते हैं। तो ये एक नया जो चला है कि स्टेट अब धर्म को प्रमोट करने लगा है। देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म निरपेक्षता का कतई अर्थ नहीं है कि धर्म को नहीं मानना, धर्म को अस्वीकार नहीं करता है वो, वो सिर्फ इतना कहता है कि राज्य यानी राजनीति सत्ता और धर्म के बीच में एक सीमा होगी, यानी दोनों पृथक होंगे। इसका मतलब है कि राज्य के कार्य अलग हैं और धर्म का कार्य अलग है, और इन दोनों में जो पृथकता है, और यही कारण है कि राज्य किसी धर्म विशेष को महत्व न दे करके सभी धर्मों की समानता को स्वीकार करेगा और सभी धर्मों से समान दूरी बना करके रखेगा। यही कारण है एक धर्म निरपेक्ष जो जो राष्ट्र है वो किसी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं देता है, यानी धार्मिक समानता में विश्वास करता है, यानी नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जब भी कोई आप देखिए चर्चा करते हैं किसी धर्म विशेष के राष्ट्र की, इसका मतलब है कि धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन। तो जब पॉलिटिसाइजेशन होगा, और देखिए भारत के संदर्भ में भी ये जो जिसे हम समझते हैं कि ये धार्मिक समुदायों के बीच का संघर्ष है या सांप्रदायिक दंगा है या तमाम तरह के जो नफरत और असहिष्णुता, ये एक्चुअली धार्मिक नहीं है, ये सारे राजनीतिक हैं। इसके पीछे सत्ता और सरकार या सत्ता को पाने की जो चाहत है राजनीतिक दलों में या इस तरह के राजनीतिक संगठनों में, वो धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करके अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी सांप्रदायिक दंगा, कोई भी जिस प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र में आप देखते हैं धर्म के आधार पर तनाव, वो कराए जाते हैं, उसके पीछे राजनीतिक मंशा और सत्ता की राजनीति होती है। तो ये सीधे सीधे कहा जा सकता है कि धार्मिक समानता का अर्थ है सभी धर्मों को समान आदर, और वहीं से धार्मिक संभाव जो गांधी या तमाम हमारे जो और जैसे आपने विवेकानंद जी का भी जिक्र किया, तो सर्वधर्म संभाव का मतलब है सभी धर्मों के बीच में समानता के आधार पर जो सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान, और उसमें धर्म को उस धर्म विशेष को मानने वाले लोगों की अपनी मान्यता, तो ये है सर्वधर्म संभाव जो मेरी समझ है। और इसीलिए कठिनाई वहां नहीं है, विभिन्न धर्मों की उपस्थिति से वहां कोई विवाद पैदा तब तक नहीं होता है जब तक धर्मों के बीच या
धर्म के अंदर धर्म की राजनीति करने वाले उसे सत्ता के लिए या सरकार के लिए या पावर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, अन्यथा संकट नहीं होता है। आप अगर भारत के स्वाधीनता संघर्ष में इसी चीज को देखेंगे और खासकर जिन्ना के विषय में, जिन्ना प्रारंभ में राष्ट्रवादी हैं, मुस्लिम लीग के मेंबर भी नहीं बने, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक उपेक्षा शायद उनको लगने लगी, पाकिस्तान के निर्माण की जो बात उन्होंने की वो तो बहुत बाद में की, कि वो जिन्ना की अवधारणा नहीं थी, रहमत अली और उसके पहले भी आप जानते हैं कि जो जो इकबाल हैं उनके भी दर्शन में उस प्रकार की बातें आई थी। जिन्ना ने तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पाकिस्तान का धर्म के आधार पर निर्माण करवाया। जी मैं एक चीज और, क्योंकि एक मैंने अभी एक नया हाल की मैं किताब पढ़ी, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर साहब की किताब है, उसमें वो एक बहुत एक मतलब उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। वो कहते हैं कि बहुसंख्यक का सांप्रदायिक होना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अपने को राष्ट्रवादी के रूप में पेश करेगा। अब फिर वो आगे बताते हैं, क्योंकि भारत में ज्यादा हिंदू हैं, इस कारण हिंदू राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में भेद करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वो बिल्कुल ठीक से डिफाइन करते हैं। उन्होंने कहा मेजोरिटी कभी अलग अलगाववादी नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि ये तो ठीक बात है, मेजोरिटी थोड़ी ही कहेगी कि अलगाववादी होंगे भाई, वो तो नागालैंड के लोग या जम्मू कश्मीर या कहीं के लोग कहेंगे ना कि साउथ के, कि हमें अलग कर दो, वो मेजोरिटी थोड़ी ही कहेगी। इसको जरा एक बार आप थोड़ा सा इस पे भी एक प्रकाश डाल देते कि बहुसंख्यक का सांप्रदायिक होना जो खतरनाक ही कह रहे हैं कि इट इज अपीजमेंट, जैसे बहुत बार बार कहा जाता है कि अरे मुस्लिम अपीजमेंट इस देश में बहुत होता है मुसलमानों की, मुझे समझ नहीं आता है ग्राउंड पे तो कोई अपीजमेंट नहीं, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, बिजनेस हो, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात हो, एमएलए एमपी, उनका प्रतिनिधित्व कहीं उनके जितने लोग हैं उस हिसाब से तो नहीं है। तो ये कहां से ये आ रहा है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट? देखिये, ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी की बात और उसकी फिर आलोचना और कांग्रेस को इसके लिए जो लगातार ब्लेम किया जाता रहा है, उसके पीछे भी हिंदुत्ववादी ताकतों की राजनीतिक मंशा है। अगर आप इस बात को स्थापित नहीं करेंगे हिंदुओं के बीच कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या इस प्रकार की सरकारों ने मुस्लिम अपीजमेंट किया, यानी उनको संतुष्ट करने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ ऐसी नीतियां बना दी जो हिंदुओं की एक प्रकार से हितों के विपरीत रहा, मूल बात वो नहीं है। मूल बात है, आपने जो बात खुद एक कही है, आप नागरिक प्रशासन से लेकर के राजनीति से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के विज्ञान, तमाम इंजीनियरिंग क्षेत्र जितने भी हैं, क्या भारत में मुसलमानों को उनके जनसंख्या के अनुपात में कहीं भी प्रतिनिधित्व है क्या? नहीं है, मच मच बिलो रिप्रेजेंटेशन है। सच्चर कमीशन ने, राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमीशन ने इस बात को पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। ऐसी स्थिति में अपने आप में अपीजमेंट किया जाता है, ये बातें एक प्रकार से मिथ्या है, झूठ पर आधारित है और इसके पीछे भी राजनीतिक मंशा है। इसलिए अपीजमेंट की कोई पॉलिसी की बात करना वो बेमानी है। सेकेंड जो बात आपने कही कि देखिए, जो भी सांप्रदायिकता होती है, चाहे वो अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता हो या बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता इसलिए खतरनाक होती है कि अगर एक बड़ा समूह वो सांप्रदायिक हो जाए, उसकी संख्या ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी ज्यादा है, और अगर वो एक प्रकार से जिसे आप कहिए कि सांप्रदायिक हो जाए, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि उनकी संख्या भी कम है। तो इससे तय है कि बहुसंख्यक जो सांप्रदायिकता है वो बहुत खतरनाक है। लेकिन ये भी जरूरी है, सांप्रदायिकता चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक, देखिए सांप्रदायिक दंगे जो भी होते हैं, नुकसान तो दोनों समूहों का होता है। जो ताकतवर होते हैं वो अधिक संख्या में दूसरों की हत्या कर देते हैं या दूसरे की संपत्ति का नुकसान कर देते हैं, लेकिन नुकसान तो दोनों का होता है। तो ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता दोनों प्रकार की वो समाज के हित में नहीं है, और समाज के दोनों धर्मों के हित में नहीं और राष्ट्र के हित में नहीं है। लेकिन ये बात भी तय है कि जो बहुमत की सांप्रदायिकता होगी, और धीरे धीरे ये बहुमतवाद हो गया है, तो
तो बहुमत बात का मतलब है कि हमारी संख्या अधिक है, इसलिए हमारा धर्म, हमारी भाषा या हमारी संस्कृति या हमारी जो कुछ भी है वही राष्ट्र के लिए या उसी को राष्ट्र से एक प्रकार से समानार्थी मान लीजिए। और इसमें समान नागरिकता की जो अवधारणा है उस पर चोट है, जो भारत का संविधान सभी धर्मों को समान नागरिकता देता है और यहां तक कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशिष्ट प्रोटेक्शन के रूप में, सुरक्षा के रूप में, आप जानते हैं संविधान की धारा 29-30 इसमें उसका विवरण भी है, लेकिन वो एक अल्पसंख्यक को सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब है कि भारत के संदर्भ में यदि अर्थव्यवस्था से लेकर के किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो मुसलमानों को अपनी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है बल्कि बहुत नीचे है। और इनके कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि लगातार एक पार्टी विशेष को अगर सत्ता मिल रही है राज्यों में और केंद्र में तो वो तो एक भी व्यक्ति को चुनाव में वो उम्मीदवार बना ही नहीं रहे अल्पसंख्यक को। इसका मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को उसके प्रतिनिधित्व के अधिकार से सांप्रदायिक आधार पर वंचित करने की कोशिश करके एक बहुमतवादी राज्य की स्थापना और अंततः एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र की जो कल्पना है जो सभी हिंदू स्वीकार नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जी, मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि आप सामने हैं तो आपसे मन क्या पूछ लूं। एक अभी 2-4 दिन से एक नया चीज शुरू हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसमें जो नेतृत्व ने जो बात कही है, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, यहां पे कहा गया है कि हम लोग विपक्ष से कहेंगे कि आप मान लीजिए और अगर नहीं माने तो जैसे 370 लागू किया था वैसे तो हम इसको लागू ही कर, मतलब ये लोकतंत्र में इस तरह की भाषा जो, क्योंकि लोकतंत्र तो बहुत मर्यादित वो है, एक दूसरे का विपक्ष उतना ही इंपॉर्टेंट है सरकार में जितना पक्ष है, तो आपको ये, मुझे तो लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल राजनीति के लिए है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ नया कुछ करना है, तो ये एक नई चर्चा शुरू हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये है कि भारत के संविधान में जो नीति निदेशक तत्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसके चौथे पार्ट में वह स्वीकार किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, किंतु राज्य समय सुविधा और सहमति को आधार बना करके अंततः सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। तो एक बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत के लिए भविष्य के लिए राज्य को कम से कम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत ये बात कही गई और स्वीकार भी की गई। तो मैं इसको मानता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हमारे संविधान निर्माता या संविधान सभा के जो हमारे सदस्य थे वो नहीं थे, लेकिन चूंकि भारत विविधताओं वाला देश है, भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं और धर्मों के आधार पर भी अल्पसंख्यक हैं, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं, संस्कृति के आधार, चलिए धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड उसे लागू करने की पद्धति पर कि क्या ये समाज में या इन अल्पसंख्यक समूहों के सहमति से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है, यहां पे सहमति को आधार बनाया गया था और अब जो कोशिश हो रही है उसी सहमति को, यानी संविधान सभा में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सहमति पर आधारित यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में की थी उसका विरोध किया जा रहा है राजनीतिक कारणों से। इसलिए इसका विरोध नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता, हाउ आप इसको लागू कैसे करेंगे, और इसीलिए जबरन लागू करने की कोशिश यह भी उसी बहुसंख्यक राजनीति और हिंदुत्ववादी राजनीति का हिस्सा है। और इसके द्वारा अब देखिए आप भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो खैर चुनाव हो गया, लेकिन 24 का चुनाव जो है उस देश में पुनः सत्ता पाने के लिए अभी से प्रयास जारी है, और इसीलिए अभी से गृह मंत्री से लेकर के या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बात की है वो सब 2024 में हिंदुओं के आसपास जो पोलराइजेशन करना है अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के विरुद्ध, जो पूरी की पूरी भाजपा संघ की हिंदुत्ववादी राजनीति का केंद्र है, उसी को सामने रख करके किया जा रहा। अन्यथा अगर सहमति से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है तो उसको करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पहले से स्थान दिया है। तो मेरी समझ सुनिए,
जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। लेकिन आज की तारीख में दिक्कत क्या है, अब सिख समुदाय ने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन किया है कि जो औरंगजेब के ऊपर टिप्पणी थी और इस्लाम और सिखों का जो लड़ाई दिखाई थी, सिख समुदाय कह रहा है कि हमारा तो धर्म ये कहता है कि जो वंचित हो, दलित हो, उसका अगर शोषण हो रहा हो तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, उसमें धर्म नहीं देखते हैं वो। उनका कहना यह है कि हमारे गुरु नानक पहले उसमें कुछ उनका था और फिर दसवें गुरु तक आते आते उन लोग के तमाम ऐसे हैं जहां वो वंचित और शोषित वर्ग के लिए खड़े हुए हैं। तो उनका कहना कि वो धर्म से उसका कोई मतलब नहीं था, वो तो समाज की विकृतियों से था, और उसको आज की तारीख में इंटरप्रेट किया जा रहा है कि नहीं नहीं वो तो मुसलमानों के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा बात ये, मैं बस बहुत संक्षेप में बात समझ में, पहली बात तो ये है कि राज्य सत्ता के जो संघर्ष होते हैं ना वो धार्मिक संघर्ष नहीं होते। यही कारण है कि एक सीधे सीधे उदाहरण से आप समझेंगे, भारत में कौन शासन कर रहा था? इब्राहिम लोदी। जब बाबर ने भारत में आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी कौन थे, बाबर कौन थे? और मजे की बात देखिए, राणा सांगा ने कैसे आमंत्रण देकर के बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। अब देखिए राणा सांगा कौन थे। इसे राज्य सत्ता के संघर्ष को किसी भी प्रकार से धर्म के नजरिए से देखना वो अपने आप में एक प्रकार से गलत दृष्टि है। और यही कारण है कि सिखों के बीच और मुसलमानों के बीच का संघर्ष वो धार्मिक संघर्ष नहीं था, राज्य सत्ता के संघर्ष होते हैं। कोई अपने राज्य की हिफाजत करने के लिए संघर्ष करता है, कोई राज्य के विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। इससे दुनिया में इस प्रकार के जो भी राज्यों के बीच के संघर्ष हुए हैं, राजाओं के रानियों के बीच, नवाबों और सुल्तानों के बीच में, वो धार्मिक युद्ध नहीं है, वो राजनीतिक युद्ध है। और इसीलिए किसी भी प्रकार से इसे धार्मिक युद्ध कहना एक प्रकार से जिसे कहते हैं ना कि गलत अवधारणा को स्थापित कर। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले किसी एपिसोड में आपसे नए तरह से कुछ और सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आनंद वर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, और सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।